तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में, जिसमें कि हम लोगों का जो बेसिक थीम था, हम लोगों ने उस दिन देखा था कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एज ए ज्योग्राफर, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दो तरीके के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या दो जियोलॉजिकल डिवीजन है भारत में, पहले को हम लोग कहे थे पेनिनसुलर इंडिया और दूसरे को एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में भी दो सब डिवीजन थे, एक हिमालय, एक गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का प्लेन, और इसमें कुछ छह थे। ये मैप्स था और उसका हम लोग एक बेसिक देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम डिफरेंट रॉक टाइप्स को देखेंगे कि डिफरेंट रॉक टाइप्स जो इंडिया में प्रोमिनेंटली मिलते हैं। उस इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के रॉक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और इनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट इंडिया में मिलते हैं उस पर आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी किया है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होना चाहिए आगे हम लोग को बढ़ने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है आर्कियन, सबसे पुराना, जिसमें पृथ्वी बनी थी उसी समय में, 4 बिलियन ईयर से वो मिलता है। इसमें बेसिकली नीस और सिस्ट मिलते हैं, ये ओल्डेस्ट रॉक है, प्री कैम्ब्रियन ईरा के रॉक है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कैसे बने हैं? तो मैग्मा के जमने से बने हैं, मैग्मा का फ्लो हो रहा था और वो जमने से ये बन गया। अब एजोइक है और अनफॉसिलनेस होता है इसमें, मतलब चूंकि ये इतने गर्म थे और ये बने, तो उस समय कोई जीव का तो जन्म ही नहीं हुआ था पृथ्वी पे। चूंकि जीव का जन्म नहीं हुआ था तो क्या हो गया था, तो उसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जो जीव होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उसके जो मिलते हैं अंश, वो जीवाश्म कहलाते हैं। तो चूंकि वहां पे उस समय, जिस समय ये बनी, ये कब बनी, तो जब पृथ्वी बन रही थी, तो जब पृथ्वी बन रही थी उस समय ये बनी, तो पृथ्वी बनने के समय तो आदमी या किसी और जीव या वनस्पति का नामो निशान ही नहीं था, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी को एजोइक या अनफॉसिलनेस कहते हैं। फिर फॉल्टेड है, इसको थिन सीट्स के रूप में, क्योंकि मैग्मा का जो उद्गार हुआ वो एक साथ नहीं हुआ, मैग्मा आते गया फिर दोबारा मैग्मा उसके ऊपर बना, तो परतदार रूप में, फॉइल जिसको नहीं कहते हैं, थिन सीट्स के जो फॉइल्स हैं उसके रूप में वो बना। क्रिस्टलीन है, क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक होता है तो क्रिस्टल बनेंगे ना। और ये प्लूटोनिक इंट्रूजन्स है, मतलब क्यों? क्योंकि बहुत नीचे से आ रहे हैं सारे मैग्मा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, हमारे सॉडर्न जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें इसका ये क्या कहते हैं, आर्कियन और के नीस और सिस्ट मिलते हैं। नीस और सिस्ट क्या होता है, अब आपके लिए टास्क ये है कि नीस का क्या विशेषता है और सिस्ट का क्या विशेषता है, दोनों दो लाइन में आप बता सकते हैं हमको कि नीस और सिस्ट अगले क्लास में, कि नीस का में क्या अंतर है और सिस्ट में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं, आर्कियन रॉक्स के बाद जो है वो हम लोगों के सिस्टम में ढारवार सिस्टम आता है। ढारवार और कुडप्पा दो सिस्टम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था ये 4 बिलियन से 1 बिलियन ईयर के बीच में मिला, और ये मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है, मतलब कि ये एक तो अवसादी है और उन अवसादियों का क्या हुआ है, रूप परिवर्तन हो गया है, ठीक ना। किससे? तो पहले आर्कियन नीस और सिस्ट बनी, उनको वो जब टूटी नदियों से या समुद्र से जैसे भी अपरदन हुआ, फिर उनसे जो है सेडिमेंट्स बने, उन सेडिमेंट्स के जमने से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, और उन सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हीट एंड प्रेशर पड़ा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। वही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये ढारवार सिस्टम में है, ये सबसे पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, ठीक ना। ये ढारवार डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटक में के जो ढारवार डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास मिलता है बेसिकली, ये भी पेनिनसुलर में ही मिलता है। मार्क्स है आपके मैप पे देखेंगे तो। इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूएबल जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मैक्सिमम इसमें मिलते हैं, जिसमें आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद के सिस्टम में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को पुराना रॉक सिस्टम मिलता है, ये 600 मिलियन ईयर्स तक बना है, 1400 मिलियन ईयर्स से। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, कुडप्पा और विंध्यन बेसिकली। तो कुडप्पा और विंध्यन में क्या होगा, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है ये नाम, और विंध्यन लिया गया है विंध्यन पहाड़ियों से नाम। अब देखिए, कुडप्पा जो है इसमें भी ये फॉसिल नहीं मिलते हैं, स्लेट्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक ना। ये जो है सिंक्लिनिकल बेसिंस जो है, दो फोल्ड के बीच में जो बेसिंस होता है, फोल्ड माउंटेन जानते हैं ना, जो एक गर्ट होता है, एक शीर्ष होता है, तो वलित पर्वत के, दो वलित पर्वत के बीच में जो घाटियां होती हैं उनके बीच ये मिलता है कुडप्पा सिस्टम, ठीक ना। कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, उसी के आसपास इसका मेजर कंसंट्रेशन है, इसीलिए उसी से इसका नाम रखा गया।
इन रॉक्स में भी आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल इटीसी जो है ये मिलता है। साथ ही साथ इनमें सीमेंट के लिए भी लाइमस्टोन जो है वो बहुत सारी मात्रा में मिलता है। पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा धारवाड़ प्रसिद्ध है मिनरल्स के लिए, उसके बाद कुडप्पा प्रसिद्ध है, और सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या है, विंध्यन और कुडप्पा प्रसिद्ध है। फिर विंध्यन में क्या है, विंध्यम विंध्य माउंटेन से लिया गया है नाम, ये भी सबसे पुराने जो है कंप्रेस्ड एंशियंट रॉक्स है। और किस प्रकार के, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, 4,000 मीटर तक मोचे मिलते हैं। और इनका भी बेस जो है आर्कियन है, आर्कियन बेस होने का मतलब ये है कि ये भी आर्कियन जो रॉक्स थी उन्हीं का जो अपरदन हुआ है, उन्हीं के सेडिमेंट से ये बने हैं। इसमें भी मैक्सिमम में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि सेम जिस समय ये बने थे उस समय आदमी या किसी जीवाश्म की बहुत ज्यादा उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये डेक्कन ट्रैप का बहुत सारा एरिया जो है वो कवर करता है। उसके बाद इसमें डायमंड जो है वो भी मिलता है, कहाँ पे, हमारा पन्ना और गोलकुंडा जो जैसे के खाने हैं तो वो भी मिलता है। अब डायमंड क्या मिलता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंप्रेशन हुआ है तभी मिलता है डायमंड, ठीक ना। और मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं हम लोगों को इसमें, तो ऑर्नामेंटल स्टोन्स जो होते हैं, या सीमेंट के लिए लाइम स्टोन्स मिलते हैं, फिर ग्लास, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड मिलते हैं, चीनी मिट्टी वाला जो होता है, तो ये सारे मिलते हैं। तो आपको अब देखिए, चार रॉक्स में से हम लोग तीन देख रहे हैं जिसमें से दो मिनरल्स के लिए फेमस है, कौन कौन, धारवाड़ और कुडप्पा, और साथ ही साथ दो सीमेंट्स के लिए भी, विंध्यन एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे थोड़ा बहुत लाइमस्टोन कुडप्पा में भी मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आते हैं द्रविड़ियन रॉक सिस्टम में। ये उसके बहुत बाद का है, 600 से 300 मिलियन ईयर ago मिला है। ये पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक इरा में बना है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में ये मिलता है, हिमालय और गंगा प्लेन के आस में। साथ ही साथ ये इसमें बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, अभी तक के जो पुराने रॉक सिस्टम थे उसमें फॉसिल्स नहीं मिल रहे थे, फॉसिल्स में ना जीवाश्म नहीं मिल रहे थे क्योंकि जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसीलिए आपने देखा कि उसमें धातुएं तो मिली पर कोई भी ऊर्जा का संसाधन नहीं मिला, जैसे कोयला और वो सारी चीजें। अब चूंकि अब जीवाश्म होने लगे, कोयला कैसे बनता है कि चूंकि जंगल दब जाते हैं या जीव दब जाते हैं उससे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें बनती है, अब फॉसिल्स मिलना शुरू हुआ, मतलब तब तक जो है ये उत्पत्ति हो गई थी। इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूब्रियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये पीरियड्स में विभिन्न रॉक्स जो हैं ये बने। कार्बोनिफेरस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कोयला बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, हिमालय और गंगा में, साथ ही साथ ये पेनिनसुलर रीजन में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि द्रविड़ियन रॉक पूरी की पूरी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में ही मिलता है, कुछ कुछ जो है द्रविड़ियन में भी मिलता है लेकिन बहुत कम, वो इतना नेग्लेजेबल है कि इसलिए इससे कभी ये मत नाम निकालिएगा कि द्रविड़ियन का मतलब ये नहीं है कि ये साउथ इंडिया में मिलेगा, ओके। ये हमेशा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, लेकिन साउथ इंडिया वाले रीजन में, विभिन्न के दक्षिण में भी मिलता है थोड़े बहुत मात्रा में। अब हम लोग आते हैं कार्बोनिफेरस रॉक, कहा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोनिफेरस, क्यों, क्योंकि लाइमस्टोन सेल और क्वार्ज़ाइट, लाइमस्टोन सेल और क्वार्ज़ाइट जो है ये खनिज इसमें मिलते हैं, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट जो है या हिमालय के जो भाग है वो भी अपर कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन से बहुत जगह मिलते हैं उसमें। फिर कोल फॉर्मेशन इस एज में हुआ था, और हिमालय के एरिया में जो कोल मिलते हैं वो हमारे यहाँ कार्बोनिफेरस एज के ही कोल हैं। साथ ही साथ ग्रेट लेक्स, यूएसए, यूके, उन सब में भी ये जो है ये मिलता है कोल। तो सेम कोल हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, नॉर्थ में, हिमालय रीजन्स में। अब दूसरा इसी समय जो द्रविड़ सिस्टम में है, द्रविड़ियन सिस्टम में दूसरा इंपॉर्टेंट है गोंडवाना सिस्टम। तो गोंडवाना सिस्टम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोयला के लिए। हमारे भारत में 95% जो कोल होता है वो किस सिस्टम में मिलता है, तो गोंडवाना सिस्टम में मिलता है। और ये सबसे प्रिमिटिव जो पीपुल थे, जैसे गोंड जनजाति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उस समय मिलती थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये भी सिनक्लैनिकल ट्रप्स में मिलते हैं और प्लेटू सरफेस पे, मतलब पठारों के ऊपरी भागों में मैक्सिमम रूप में ये मिलते हैं, और इनके सेडिमेंट्स एक्युमुलेटेड हैं, सबसाइडेड हैं। साथ ही साथ फ्रेश वाटर और सेडिमेंट्स एक्युमुलेटेड टफ एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल टाइप, मतलब कि इसमें खूब सारे जीवाश्म आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये परमीनियर पीरियड 250 मिलियन ईयर ago बने थे, मतलब उस समय ये लोग दब गए थे जो जीवाश्म थे, और इसके कारण इसमें बहुत सारा कोयला
मिलता है। भारत का 95% कोयला हम लोगों ने बोला था। इसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है आप देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये वाला जो है ये मिलेगा, तो ये भी पेनिनसुलर रीजन में ही मिलता है बेसिकली। अब डेक्कन ट्रैप जो है ये भी हमने कहा था कि डेक्कन में फिर से लावा का जब उद्गार हुआ क्रिटिशियस युग में, इन्होंने कहा कि वॉल्केनिक एब्रप्शन एक तो आर्कियन युग में शुरुआत में हुआ था जब पृथ्वी बन रही थी, उसके बाद जब क्रिटेशियस युग शुरू होने लगा और इओसीन का शुरुआत हो रहा था उस समय फिर से लावा का उद्गार हुआ, और वो लावा जहां जहां बेसाल्टिक लावा फैला वो क्या बनाया, डेक्कन ट्रैप। और ये इसका एरिया करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इनके जो है टॉप्स वो फ्लैट है, पठार जैसे फ्लैट होते हैं इसलिए डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, और साइड जो है स्टीप्स है, ठीक ना, क्यों, क्योंकि स्टीप का मतलब होता है, ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा या स्टिप स्वीडिश में, स्वीडिश भाषा में उसी से, लेकिन इनके जो ये क्या है स्टीप साइड्स हैं, साइड स्टीप है लेकिन सीढ़ी नुमा है फिर भी। इसके बाद इसमें वेडरिंग और इरोजन्स का जो है मिलियंस ईयर से हो रहा है, तो इसका ओरिजिनल साइज जो है घट गया है, मतलब जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है उससे ज्यादा रहा होगा, और अभी जो है प्रेजेंट में ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। आप सोचिए 10 लाख से ज्यादा रहा होगा, 10 लाख से हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो 10 लाख से घट के ये क्या हो गया है, 5 लाख हो रहा है। और कहाँ मिलता है, तो कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और मालवा प्लेटू और नॉर्दर्न कर्नाटका में, ठीक ना। इसकी थिकनेस 3000 मीटर है, वेस्ट में ये रिड्यूस होकर 600 से 800 मीटर हो जाती है, और कच्छ में 150 मीटर ही ईस्टर्न लिमिट पे मिलती है। साथ ही साथ जो हमारा वेडरिंग होता है वो ब्लैक, इसके वेडरिंग के कारण इसमें क्या बना है, रेगुर सॉइल बनाया है, जिसको हम लोग नॉर्मली काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किस लिए फेमस है, तो कॉटन के खेती के लिए। तो इस तरीके से ये डेक्कन ट्रैप हो गया, इसमें कोई मिनरल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि लावा का हुआ है, जो सेडिमेंट्स होंगे वहीं मिनरल्स मिलेंगे या मेटामॉर्फिज्म होगा तभी मिनरल्स मिलेंगे। फिर अब अंतिम में दो आ जाता है, ये सिंपल सी सिस्टम है, ये सबसे रिसेंट रॉक्स है हमारे, टर्शियरी सिस्टम और क्वार्टरनरी सिस्टम। टर्शियरी सिस्टम के रॉक्स जो है इओसीन और प्लायोसीन युग में 62 मिलियन ईयर से 7 मिलियन ईयर के बीच में बने हैं, और बेसिकली ये हिमालय जो है हमारा टर्शियरी युग में बना है, और हिमालय की मैक्सिमम चट्टानें जो है वो क्या है, टर्शियरी पीरियड की चट्टानें हैं, और क्वार्टरनरी सिस्टम रिसेंट में है जो बन रहा है, और अभी इसमें कोई चट्टान नहीं बनी है, सिर्फ मिट्टियां हैं जो क्या है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। तो इस हिसाब से हम लोग जब आके देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि ये चीजें जो हैं ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे हमारा रॉक सिस्टम की क्या विशेषता है। हम लोगों ने रॉक सिस्टम की जो विशेषताएं देखी उसमें से 3-4 विशेषताएं इंपॉर्टेंट रखनी है, कि आर्कियन सबसे पुराना है और पुराने सारे रॉक्स में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, मिनरल्स के लिए कौन कौन उपयोगी है, तो कौन है, कुडप्पा है, इंडियन है, और धारवार सिस्टम है, धारवार सबसे ज्यादा, उसके बाद कुडप्पा इंडियन, उससे भूकंप, और इसके लिए सबसे ज्यादा सीमेंट्स के लिए विंडियन और फिर कुडप्पा, फिर उसके बाद कोयला के लिए गोंडवाना और कार्बोनिफेरस। तो ये सारे रॉक सिस्टम इस हिसाब से आपको ध्यान रखने, कौन से कोयला के लिए, कौन से इसमें। अब देखिए जब हम लोग को कोल पढ़ना होगा या मिनरल्स पढ़ना होगा तो आप आराम से गोंडवाना वाला इलाका अगर आपको याद है और कार्बोनिफेरस वाला इलाका याद है, गोंडवाना नीचे मिलेगा हमारा, ये वाला दिख रहा है ये गोंडवाना है, और कार्बोनिफेरस यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे छोटे छोटे जो पैचेज हैं, तो बस इतने इलाके में कोल मिलेंगे ना, और कहीं तो कोल मिल ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको डेक्कन ट्रैप का पता है कि ये है काली मिट्टी का एरिया, तो काली मिट्टी का एरिया से आप सॉइल्स बता सकते हैं ना कि काली मिट्टी कहाँ है, लाल मिट्टी कहाँ है। उसी तरीके से आपको कहा जाएगा कॉटन। तो इस तरीके से सोचिए कि अगर आपको सारे रॉक सिस्टम का एक मैप याद होगा अच्छे तरीके से और आप उसकी विशेषताएं जानते रहेंगे, जैसे हमने कहा कि अब इसको बताना है कि मिनरल्स भारत में कहाँ कहाँ मिलते, मिनरल जोन्स क्या है, तो आपको बस ध्यान रखना है धारवार सिस्टम कहाँ कहाँ मिलता है ध्यान से, और उसके बाद थोड़ा सा कुडप्पा कहाँ मिलता है। जब ये दोनों सिस्टम आपको पता है तो आप पूरी तरीके से बता सकते हैं कि क्या होगा, कि कहाँ क्या मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब आप इस पे आप लोगों ने नोट्स भी बना दिया है, अच्छा ही नोट्स बनाया है लोगों ने। अब अगर चाहें तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, इन 5-6 जो रॉक सिस्टम्स हैं, ये रॉक सिस्टम ये, ये रॉक सिस्टम ये, ये रॉक सिस्टम ये, इसकी ये विशेषताएं हैं, इसमें ये मिलता है, ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है, इन राज्यों में है या इन क्षेत्रों में है। बस इसी 3 कॉलम में आपका सारा काम हो जाएगा। पहला रॉक सिस्टम क्या है, कब बना,
दूसरा वो कैसा है, माना उसमें फॉसिल्स मिलते हैं, उसकी विशेषताएं जो भी है, और तीसरा उसमें क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल, लाइमस्टोन, सीमेंट, कोयल, कोल, और लास्ट में आपको लिखना है कि इससे क्या फायदा हो सकता है हम लोग को, इसका क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बस इस चार कॉलम के साथ आप पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स में जो दिया था तो जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बदले जो है उन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे फोकस कर दिया है, तो ये नहीं करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने आपको इसलिए बताया था कि आप इस चीज को समझ सकें। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बहुत ज्यादा आपको मैक्सिमम लोगों ने रॉक सिस्टम बस लिखा है, उन्होंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो डिवीजन है सब डिवीजन वो नहीं लिखा है, तो वो भी आपको लिखना चाहिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब डिवीजन, क्योंकि बुक्स में नॉर्मली नहीं रहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब डिवीजन। तो आप जब भी लिखेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा व्यू पड़ेगा इनको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आता है पेनिनसुलर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, फिर आप रॉक सिस्टम पे आइए। तो हम लोग जो है सो को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं हमसे।